यही है सबमरीन, अंदर से ऐसा दिखता है। ये वार्ड रूम है, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते थे। यहाँ पे पानी में जैसे जाना है तो उसका सूट है। ये बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं यहाँ पे, ये करीब 6th कंपार्टमेंट है। पायलट स्टेशन का पूरा डेमो भी है और ये इंजन है यहाँ, यहाँ से पूरा ऑपरेट होता था। यहाँ पे डोसा बनते हुए काफ़ी सारे डोसा हैं। ये है आरके बीच और यहाँ पे घोड़ सवारी के लिए घोड़े वगैरह भी हैं। यह ईरानी टी। तो तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, लेट्स अनवील द एडवेंचर। आ चुके हैं सब मरीन म्यूजियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है टिकट के लिए और वही है सब मरीन म्यूजियम। तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा पहले हमको। मेकिंग ऑफ कुरसुरा म्यूजियम, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है और धीरे धीरे लाइन जो है वो बढ़ रही है। इधर और भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लाइन लगे हुए हैं। यही है वो सबमरीन। एसी चालू है। यही है सबमरीन, अंदर से ऐसा दिखता है। और ये दूसरे तरफ का व्यू, दूसरे साइड जा रहे हैं सबमरीन के। ये वॉश स्पेस है, ये कंपार्टमेंट 2 में आ गए हैं हम लोग। ये कैप्टन केबिन है जिनकी फोटो लगाई गई है, उन्हीं का केबिन था। ये सबमरीन के कैप्टन थे और केबिन भी, और इनके कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और लेटने की भी व्यवस्था थी यहाँ पे इतने छोटे जगह पे। मतलब इधर भी ऑपरेटिंग वगैरह सिस्टम है, साउंड रूम। तो इधर भी स्लीपिंग के लिए दिया हुआ है पूरा। और आगे देखते हैं क्या है। ये वार्ड रूम है, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते थे। इधर से भी नीचे जाने का कुछ था। ये कंपार्टमेंट 3 में आ चुके हैं और ये चार्ट हाउस है इधर। और इधर से बाहर भी निकलने का रास्ता था। ट्रिम इंडिकेटर, पानी के अंदर सोच सकते हैं कि कैसा लाइफ रहता होगा, लोग जैसे रहते थे हफ्ता 10 दिन महीना महीना भर, तो इसी के अंदर रहना पड़ता था। एक और कंपार्टमेंट आ गया यहाँ पे। ये सबका डिटेल दिया हुआ है कौन कौन इसमें रह चुका है सबमरीन में। यहाँ पे सारे अवार्ड वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे पानी में जैसे जाना है तो उसका सूट है। ये यहाँ पे खाने पीने के आइटम रखे जाते थे। ये किचन है यहाँ का, खाने वगैरह बनाए जाते थे यहाँ पे। इधर भी और मशीनें वगैरह हैं। ये बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं यहाँ पे, ये करीब 6th कंपार्टमेंट है सबमरीन का। काफ़ी बड़ा एरिया है। इधर भी है कुछ और इधर भी है, दोनों साइड है। ग्राउंड स्विंग, इधर से पूरा ऑपरेट किया जाता था शायद इसको। ग्रुपर स्विच है। इधर टॉयलेट भी है, इधर भी
आराम वगैरह करने का दिया हुआ, और बाहर की ओर जा रहे हैं कंपार्टमेंट 7 के बाद। आगे भी है, अब ये बाहर आ गए। और ये सबमरीन के आसपास का व्यू है, इधर समुद्र है इस तरफ, शाम का वक्त इसलिए नहीं दिख रहा है, और उधर मार्केट वाला एरिया है, फिर गार्डन वगैरह है, और काफ़ी बड़ी सबमरीन है। टोटल 7 कंपार्टमेंट हैं इसमें। सबमरीन के पंखे हैं जो पानी के अंदर चलते हैं, ये पूरी सबमरीन। और बाहर जा रहे हैं, सामने भी एक म्यूज़ियम है, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, बंद नहीं होगा तो वहाँ भी जाएंगे। तो वो वाला म्यूज़ियम है, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, वहीं जाना है। ये आ चुके हैं विमान संग्रहालय, और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। चारों तरफ का व्यू भी काफ़ी सही है, शाम का टाइम है, बगल में समुद्र है, और मरीन ड्राइव जैसा ही पूरा व्यू है, जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव हो। एंट्री गेट है, एंट्री है, तो ये विशाखापट्टनम की सारी जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, पूरा कैव्स है, ये कैलाशगिरी, मरीन वैली, बहुत सारी जगह है। एंट्रेंस वाला रास्ता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन, एयरक्राफ्ट के जितने भी अचीवमेंट थे सब कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये पायलट स्टेशन का पूरा डेमो भी है। पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, ऑब्जर्वर, फ्लाइट गनर, भास्कर, फ्लाइट गनर के बारे में दिया है, एयर टेक्निकल ऑफिसर जोन है, एयर बॉटल है, ऑक्सीजन टैंक, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, टर्बो जनरेटर, और ये इंजन है यहाँ फ्लाइट का इंजन, इंजन काफ़ी बड़ा इंजन है, पैरासूट, सर्वाइवल किट, सर्वाइवल किट हैं सारे। वार्ड ऑनर जून, नौसेना मैडम, एग्जिट, वे टू एयरक्राफ्ट, ये प्लेन, इसी के अंदर जाना है। इधर से एंट्रेंस है, एसी चालू है यहाँ पे, इसलिए उतनी गर्मी नहीं है, नहीं तो सबमरीन में तो गर्मी थी थोड़ा सा। बॉम्ब कैरियर, ये सब बॉम्ब हैं, ये फ्यूल टैंक, यहाँ से पूरा ऑपरेट होता था,
इधर पायलट जहाँ बैठते थे वो वाला है। एग्जिट पॉइंट, ये बाहर जा रहे हैं। आर्ट कैफे जा रहे हैं। गेम जोन है यहाँ पे, आगे तक देखते हैं। तो अब आए हैं रेस्टोरेंट साइड, देखते हैं कुछ खाने वगैरह का होगा यहाँ पे। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, और उधर भी है इंडियन चाइनीज़। यहाँ पे डोसा बनते हुए हैं, काफ़ी सारे डोसा हैं अलग अलग प्रकार के। यह ईरानी टी, डोसा तो ख़त्म हो चुका है, व्लॉग नहीं शूट कर पाए और यहीं पे बैठ के खाए थे। यहाँ पे मिलता है फेमस विशाखापट्टनम का मोमोज, लेकिन सब ख़त्म हो गया, तो अभी ले रहे हैं पनीर रोल। और पनीर रोल जो है वो तैयार हो रहा है, इसका लोकेशन भी यहीं पे है। ये है आरके बीच, और यहाँ पे घोड़ सवारी के लिए घोड़े वगैरह भी हैं। शाम का वक्त है, पूरा मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा ही है। तो विशाखापट्टनम का ब्लॉग नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनवील दी एडवेंचर।